अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। और आप सबको स्वागत है मेरे चैनल और एक बार आरएस ब्लॉग्स में। तो वीडियो मैं बहुत ही लेट छोड़ रही हूँ क्योंकि मायका में आई हुई हूँ, तो थोड़ा आप लोगों का भी वीडियो में जाने में लेट हो रहा है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैं थोड़ा फ्री होती हूँ, आप सबका सारा वीडियो वॉच कर लूँगी पूरी तरीके से। तो डोंट वरी, मैं अपने हर दोस्तों को फुल सपोर्ट करूँगी हमेशा। तो ये दोपहर का टाइम है, दोपहर नहीं है, मॉर्निंग दोपहर के बीच में है और हल्का हल्का बारिश लग रही थी, तो मैंने कपड़ा उठाने के लिए छत में आ गई है। और ये मेरी मम्मी का छत है, मेरे मायके का छत, जो बहुत ही बड़ा है इधर से उधर तक। पर धूप भी हल्का हल्का तेज़ बहुत लग रहा था और बादल भी छाया हुआ था, पर गर्मी बहुत हो रही थी। तो मैं सारा कपड़ा को उठा ले रही हूँ और जल्दी जल्दी करके उठा रही हूँ क्योंकि कभी भी फिर बारिश आ सकता है। वैसे इधर तो बारिश इतनी होती नहीं है, पर कभी कभी झमाझम आ भी जाती है। और पतिदेव जी आए हुए हैं, अपनी ससुराल का मज़ा उठा रहे हैं। तो दोपहर का लंच चल रहा है और आज पुलाव बना है और चिकन बना है, सलाद है और क्या क्या है, बैंगन नहीं, ये है मछली फ्राई है, ये है परवल फ्राई, बैंगन नहीं है आज। तो वीडियो कुछ दिनों का हो गया है, मुझे एडिटिंग करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए मैं भी भूल गई हूँ कि क्या क्या बना है। और ये देखिए शाम का टाइम है, हम दोनों जा रहे हैं मार्केट थोड़ा ख़रीदारी करने के लिए। बेटा साथ नहीं चल रहा है, वो वहाँ भी नहीं निकलता मुंबई में, यहाँ भी नहीं निकलता है, तो हम दोनों ही चल रहे हैं। और ये हम टोटो में बैठे हैं, इधर ऐसे ही टोटो ही चलता है, ऑटो नहीं चलता है, ऑटो चलता है हाईवे तरफ, इधर रोड में टोटो ही चलता है, ऐसे चार जन करके सीट होता है। और ये हम मार्केट में आ गए हैं, सोचा कि बिग बाज़ार जाएंगे, तो बिग बाज़ार मॉल आज बंद था, तो हम बिग बाज़ार के बाहर ही जा रहे हैं। बाहर भी अच्छा ही मॉल है, शॉपिंग मॉल है, तो उधर ही हम जा रहे हैं। और ये स्केलेटर में जा रही हूँ, आज अकेला अकेला, देखिए मेरा बेटा भी नहीं है, उसने मुझे सिखा दिया तो मैं खुद ही चढ़ गई। बस मार्केट घूम रहे हैं, थोड़ा सामान वगैरह देख रहे हैं, फिर ससुराल में जाना है, तो जो हमारा छोटकू है उसके लिए भी कुछ सामान देखना है, उसका भी कुछ ऑर्डर है, पेंसिल बॉक्स वगैरह, तो वही देख रही थी, ढूंढ रही थी शॉप, तो खिलौनों का शॉप हमें मिल गया, तो उधर ही अभी पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स, यही सब वगैरह देख रही थी। स्कूल में नया नया एडमिशन हुआ है ना, तो सोचा वही उसके लिए अच्छा होगा। तो मार्केट से देखिए हम क्या क्या खरीद के लाए हैं। एक पेंसिल बॉक्स है और ये एक लंच बॉक्स है, जो कि दोनों ही हमारे घर के छुट्टू के लिए है, वो नया नया स्कूल में भर्ती हुआ है तो उसके लिए ये है। और ये वकील करने वाला है, तो सिमाई वगैरह है घर के लिए, दोनों घर के लिए है, मसाले वगैरह है घर के लिए, तो सब बस सामान है खाने पीने का ला लिए। मार्केट में बहुत ज्यादा पता ना, इसको साग बोलते हैं, साग ही बोलते हैं। देखिए ये देखो अभी हाई बोल रहा है, साग पता कि साग बनना है, बोलो साग साग बन रहा है, साग सब्जी 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 सब्जी। भाभी का हिंदी देखिए कितना जबरदस्त हिंदी बोलता है, आधा हिंदी आधा मंगली। और वो देखो वो छोटकू ऊपर चाय पी रहा है, इधर मम्मी बैठी है और इधर मैं चाय पी रही हूँ। इधर बन रहा है हरी साग, साग हरी होता है, साग बन गया लाला लीला, साग लाला लीला हरी। और ये रात का टाइम है, शाम का टाइम, तो हम मार्केट से होके आ गए हैं। और देखिए बड़ा भतीजा ने आज आइसक्रीम का ट्रिक दे रहा है हम सबको, तो आइसक्रीम लाए हैं खरीद के, तो हम सब वही अभी खा रहे हैं सब मिलके। और आइसक्रीम तो किसको नहीं पसंद, सबको ही पसंद है, आप लोगों को भी पसंद है, तो आ जाइए मोस्ट वेलकम हमारे साथ आइसक्रीम खाने के लिए। तो सब मिल के अभी हम लोग आइसक्रीम खा रहे हैं और गर्मी का मज़ा उठा रहे हैं, गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल। मेरे भतीजे ने आइसक्रीम का ट्रिक दिया आज, तो हम सब खा रहे हैं आइसक्रीम। ये देखो हम खा रहे हैं, इधर बच्चे लोग खा रहे हैं, इधर मम्मी खा रहे हैं। आप लोगों को भी खाना है आइसक्रीम तो आ जाइए मेरे साथ। तो छोटा सा ही आज का मायका ब्लॉग है, कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जो भी नए दोस्त आते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मायका में ही हूँ, तो छोटे छोटे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जब जब टाइम मिलेगा। और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक सब खुश रहिए और आप लोगों का सारा ब्लॉग मैं वॉच कर लूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।